और ज्योत्सना, अब चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोहान्सबर्ग में हो, चाहे वो दुबई में हो या फिर वो अमेरिका में हो, एक बात तो साफ है, उनका हर इंटरनेशनल शो सुपरहिट रहा है। और एक और ऐसे ही इंटरनेशनल शो का इंतजार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजिप्ट जाएंगे और वहां पर मेमोरियल में श्रद्धा सुमन उन शहीदों, उन जवानों को अर्पित करेंगे जिन्होंने देश की रक्षा के खातिर अपनी अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की बात करें तो उन्होंने कहा कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है और अमेरिका आधुनिक डेमोक्रेसी का चैंपियन। अब पूरी दुनिया इन दोनों देशों के पार्टनरशिप को देख रही है। पीएम ने अप्रवासी भारतीयों से अपील करते हुए कहा कि अमृतकाल में भारत की अपेक्षा आपसे और बढ़ जाती है। सुनिए साथियों, भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, अमेरिका आधुनिक लोकतंत्र का चैंपियन है। आज दुनिया इन दो महान लोकतंत्रों की साझेदारी को और सशक्त हुए देख रही है। अमेरिका हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, लेकिन अभी हमारी पार्टनरशिप का असली पोटेंशियल सामने आना बाकी है। इस पोटेंशियल को आगे बढ़ाने में आप सबकी बहुत बड़ी भूमिका है। आप सभी ने यहां नाम, बहुत नाम कमाया है। आपने अमेरिका के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है। अब जब भारत ने आजादी के अमृत काल में विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लिया है, तब आपसे अपेक्षा और अधिक बढ़ जाती है। ये भारत में अधिक से अधिक निवेश का सही अवसर है। मेरा आग्रह है कि आप भारत के एमएसएमईस और स्टार्टअप्स के साथ संभावनाओं को आगे बढ़ाएं, हमारे यंग एंटरप्रेनर्स को प्रोत्साहित करें। भारत की ग्रोथ में आपकी स्किल, आपकी टेक्नोलॉजी और आपके एक्सपर्टाइज बहुत काम आएगी। आपको पता है, भारत में एक नई आधुनिक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू की गई है। आप में से अनेक साथी अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में महत्वपूर्ण पदों पर है, रिसर्चर्स और एकेडमिशियंस हैं। आप अपने अल्मा मेटर्स और दूसरे भारतीय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ेंगे तो उसका बहुत अच्छा प्रभाव होगा। रीगन सेंटर में पीएम मोदी के संबोधन पर वहां मौजूद लोगों का क्या कहना है, आइए वो भी आपको सुनवाते हैं। आज भारत और अमेरिका के रिश्तों को नया मुकाम दे दिया मोदी जी ने, और उसका जो आउटकम पता चला, जो उन्होंने अपनी स्पीच में कुछ चीजें बताई हैं, उसे भारत का आने वाला भविष्य जो है एक और इस वक्त की लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेहद सक्सेसफुल दौरा आप इसे कहें, वो अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अब से थोड़ी ही देर में इजिप्ट के लिए रवानगी। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर एक मेरे ख्याल पुस्तिका देख रहे हैं, कोई कैटलॉग देख रहे हैं और काफ़ी खुश हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिकी दौरे का आज अंतिम दिन और अब से थोड़ी देर में वो उड़ान भर जाएंगे अपने। बिल्कुल, आप देखें कि जिस तरीके से उनका स्वागत किया गया जो उत्साह, ठीक उसी तरीके से अब विदाई भी हो रही है। गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था, ये उनकी पहली स्टेट विजिट थी, अब उतना ही शानदार तरीके से अब उनकी विदाई का भी ये कार्यक्रम आप देखें।
एक और बात मीनाक्षी जो नोटिस करने वाली है, जब न्यूयॉर्क से वॉशिंगटन डीसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे थे तब भी बारिश हुई थी और मोदी ने कहा था कि जो देवता हैं वो प्रसन्न होकर बारिश उन्होंने की है और अब जा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि बारिश वहां पर पहले हुई है। आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये स्टेट विजिट, ये ऑफिशियल दौरा यहीं पर खत्म होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा हर मायने में बहुत खास रहा, बहुत स्पेशल रहा। आप इसे पॉलिटिकल नजर से देखें, आप डिप्लोमेटिक नजर से देखें, आप व्यक्तिगत तौर पर देखें, भारत के हर नागरिक के तौर पर देखें, हर मायने में ये दौरा विशेष आपको नजर आएगा। फिर चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमरीकी संसद को दूसरी बार संबोधित करना हो, वहां से भारतीय लोकतंत्र की विविधता, भारत के लोकतंत्र की शक्ति को इंगित करना हो, या फिर भारत वंशियों का के सामने उनका संबोधन हो जिसमें वो कैसे भारत की ताकत को प्रदर्शित करते हैं। आने वाली सदी भारत की सदी है, भारत विकसित हो रहा है, विकासशील देशों में अग्रणी है और धीरे धीरे ये विकास के नए सोपान गढ़ रहा है। ये तस्वीरें लगातार इंडिया टीवी पर हमने आपके सामने रखी और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएसए से इजिप्ट की तरफ जाते हुए विमान में चढ़ते हुए तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्योंकि यूएस का जो दौरा है वो कंप्लीट हो चुका है। कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए जिसमें टेक्नोलॉजी शेयरिंग को लेकर बात हुई, डिफेंस डील को लेकर बात हुई और ये देखिए जाते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक मोमेंटो दिया गया और उसी मोमेंटो को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहाँ से अब सीधे विमान में वो चढ़ेंगे और अब यहाँ से वो सीधे जाएंगे इजिप्ट। इजिप्ट के दो दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजिप्ट का दौरा इस लिहाज से भी खास माना जा रहा है क्योंकि वहाँ एक 1000 साल पुरानी मस्जिद है इजिप्ट की राजधानी कैरियो में, उसका दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। उस मस्जिद की अगर बात की जाए तो उसका नाम इमाम अल हकीम बी अमीर अल्लाह मॉस्क है और ऐसे में ये यहाँ जाना सिर्फ इत्तेफाक नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मॉस्क में जाएंगे तो एक बड़ा और कड़ा संदेश उनकी तरफ से उन मुस्लिम समुदाय के लोगों को दिया जाएगा जो दाऊदी बोरा से आते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस समुदाय के जो रिश्ते हैं, जो संबंध हैं वो कितने खास हैं ये हम सभी जानते हैं। आपको बता दें कि जब इसके रीडेवलपमेंट का काम हो रहा था, रेनोवेशन का काम हो रहा था इस मॉस्क के, तो एक लंबा वक्त लगा था और उस दौरान भी दाऊदी बोरा मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मदद की थी, फिनेंशियल मदद की गई थी इसको रीडेवलप कराने के लिए और ऐसे में इस समुदाय के लोगों का जो गहरा जुड़ाव है मॉस्क से, जो लगाव है वो साफ नज़र आता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस मॉस्क में जाना एक बड़ा संदेश उन तमाम मुस्लिम समुदाय के लोगों को देगा जो भारत में है। इसके अलावा इजिप्ट दौरे को लेकर इजिप्ट के अम्बेसडर काफ़ी उत्साहित हैं और उनकी तरफ से ये कहा भी गया था कि इस दौरे में ट्रेड को लेकर, व्यापार को लेकर बात होगी, निवेश को लेकर बात होगी, इसके अलावा सिक्योरिटी को लेकर बात होगी और स्विस कैनाल के जो रास्ते हैं वो इकोनॉमिक ट्रेड के लिए उनको भी भारत के लिए ओपन किया जाएगा। तो अब आप इजिप्ट दौरे को लेकर ये समझ सकते हैं कि ये दौरा इकोनॉमिक ट्रेड के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन हो गया है और बातचीत करने के लिए देखें तो आप क्यों रो रही हैं? जब भावुक हुई उनकी स्पीच, सब उसने जो बोला, he is the one, I cannot even say how proud I am. एकदम आंसुओं से रो रही हैं, खुशी का आंसू है? नहीं, खुशी का, बहुत ही खुशी का आंसू, बहुत ही खुशी का कि दिस इज द लीडर वी नीडेड फॉर सो मेनी इयर्स अगो वी नीडेड ही, दिस इज द लीडर। क्या नाम है आपका, कहाँ से आई हैं आप? दया कापड़िया, मैरीलैंड से। क्या करती हैं आप?
मैं हॉस्पिटल में काम करती हूँ। पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पे वाशिंगटन में सुन रही हैं या पहले भी सुन चुकी हैं? नहीं, पहली बार सुन। बहुत खास समय है ये आपके लिए, बहुत खास अनुभव। बहुत ही खास समय, बहुत ही खास समय। छुट्टी लेके मैं इधर आई हूँ, बहुत ही खास समय। और बहुत ही खुशी हुई सुन के, देख के, नज़दीक पास में आके पिक्चर लेने के लिए, बहुत ही खुशी हुई। इमोशन के पीछे वजह क्या? आई एम सॉरी, इतना इमोशन के पीछे वजह क्या? बस इतना हमारा हृदय भर आया कि देखो क्या करना चाहते हैं हमारे लिए, हमारी प्रजा के लिए। तो ही इज़ द बेस्ट, ही इज द बेस्ट, आई लव हिम सो मच। लेकिन भारत में तो अपोजिशन के नेता कहते हैं कि सब कुछ खराब कर दिया। तो एक एक सिक्के की दो साइड होती है, तो एक सिक्के की दो साइड होती है, कोई अच्छा बोलते कोई बुरा बोलते। क्या चाहेंगे 2024? मोदी, मोदी। बहुत धन्यवाद हमसे बात। थैंक यू। समझा जा सकता है कि किसी लीडर के स्पीच के सुनने के बाद एक कोई प्रोफेशनल, ये प्रोफेशनल हैं और उनकी आंखों में इस प्रकार के अगर आंसू आ रहे हैं तो अंदाजा लगा ये कनेक्शन कैसा होगा। कैमरा पर्सन जहान के साथ देवेंद्र पराशर, इंडिया टीवी, वॉशिंगटन DC। आत्मविश्वास है, कितना महत्वपूर्ण है ये कहना PM का? वेरी 100% ट्रू। उन्होंने एक आत्मविश्वास वो जगाया है दुनिया के लिए, इट्स गोइंग टू गो मोर एंड इट्स अ बेटर फ्यूचर फॉर एवरीवन। कौन सी चीज़ सबसे खास लगी PM के स्पीच में? अपनापन, ही इज वरी अबाउट हिज ओन पीपल एंड पीपल फ्रॉम NRIs हु वर लिविंग फॉर हियर लॉन्ग टाइम, ही आल्सो वरी अबाउट अस टू। वॉशिंगटन DC से ही हैं या कहीं से आई? नहीं, हम लोग Mississippi से आए हैं, हम लोग यहाँ पे 35 years से रह रहे हैं। अगर अभी लगता है कि इंडिया हमारा भी है, और जितना अभी हम लोग ज़्यादा जा रहे हैं, पहले हम जाते नहीं थे इतना, अगर अभी लगता है कि अभी हमारे बच्चों को भी ऐसा लगता है कि दे वॉन्ट टू डू समथिंग इन इंडिया, नॉट इन हियर, दे वॉन्ट टू इवन दे बोर्न एंड रेज हियर बट स्टिल दे वॉन्ट टू कम एंड रेज देयर किड्स इन इंडिया टू। नाउ दिस इज दैट कैन ऑफ चेंज इज हैपन नाउ। भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद वहाँ क्या बदलाव नज़र आता है और यहाँ आप लोगों के लाइफ में क्या फ़र्क नज़र आया जब मोदी प्रधानमंत्री बने तो? इट वॉज मोर रिस्पेक्ट फॉर बिफोर वेन वी वर हियर लाइक 35 years अगो, इट वॉज इंडिया वॉज जस्ट लाइक अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, बट एवरीबडी नाउ रिस्पेक्ट्स, इवन अमेरिकन पीपल दे नोटिस अस लाइक एंड दे वॉन्ट टू कम एंड दे वॉन्ट टू एक्सप्लोर इंडिया बिफोर लाइक नॉट। It's now new India, so everybody, now we are more proud to tell everyone that we are from India. Sir, yahi sawal main aapse lu. Kya badal gaya Pradhan Mantri Narendra Modi ke aane ke baad? Pradhan Modi aane ke baad jo unhe bulane ke hamara aatmavishwas jo hum wo sir so raha tha jaise hum sab bharti so rahe the ki hame pata nahi tha hamara kya wajood hai, to Modi ji ne aake wo wajood jaga diya hamara ki हम भी किसके पास, किसके सामने रिस्पांस दे सकते हैं अच्छी तरह से, ऐसा नहीं कि फनाटिक की तरह से, हम ऐसे दे सकते हैं जैसे सरदार वल्लभी पटेल ने किया था, सबको यूनाइट किया था। तो ये ने हमने जगाया कि आप लोग भी, अपने भी पावर है, सब इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार था पहले, और मनमोहन सिंह ने सबने अच्छा पहला काम किया था पूरा इंफ्रा, लेकिन एक लीडर अच्छा हमें मिल गया तो हमारा वजूद जगा दिया होगा। और हमसे बातचीत करेंगे। ओके, थैंक यू जी। क्या फर्क पड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद? देखिए, मैं US में 23 साल से हूँ, मेरा नाम आनंद अवस्थी है, मैं कानपुर से हूँ, और मैं कह सकता हूँ डेफिनेटली जब से मोदी जी आए हैं वी फील मोर कनेक्टेड टू इंडिया, और वी फील कि इंडिया और US बहुत पास आए हैं। उन्होंने डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की हैं, जैसे यहाँ पे जैसे H1 के लिए उन्होंने काफ़ी किया है, सो ऑल दीज थिंग्स वी फील वेरी प्राउड, एंड इंडिया हैज़ बिकम अ ब्रांड ट्रूली। वी फील दैट इंडिया का जो पोटेंशियल है, जैसे उन्होंने कहा कि पूरा पोटेंशियल आना बाकी है, सो आई डेफिनेटली फील दैट एंड आई एम वेरी प्राउड टू बी इंडिया। इस कॉन्फिडेंस की बात वो कर रहे थे कि अब नया कॉन्फिडेंस है, वो फर्क महसूस होता है क्या? डेफिनेटली, आई मीन आई कैन टेल यू आई एम वाइस प्रेसिडेंट इन फिनटेक एंड ही जस्ट अनाउंस दैट गूगल इज ओपनिंग अ फिनटेक सेंटर इन इंडिया, सो आई फील लाइक इंडियंस ऑल ओवर द वर्ल्ड आर मेकिंग एन इम्पैक्ट एंड डेफिनेटली इन US। और जैसे मैं ये तो यही कह सकता हूँ कि मतलब इंडिया के अच्छे दिन और आने वाले हैं, एंड आई रियली विश कि मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री और रहें अगले 10-15 साल तक, जब तक वे रह सकते हैं। ऑल आई कैन से इज कि अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियंस आर लिमिटलेस,
और जिस तरह से वर्ल्ड कन्वर्ज हो रहा है, दुनिया इकट्ठा आ रही है, ऑल आई कैन से इज कि इंडियंस आर गोना डू ग्रेट वेयर एवर दे आर एंड डेफिनेटली इन यूएस इंडिया हैज अ ग्रेट फ्यूचर. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. अरे सॉरी, क्या करते हो आप? आई एम एन एआई डेवलपमेंट मैनेजर एट आईक्यूवीआ. तो वी डू क्लिनिकल ट्रायल्स एंड आई अभी हमने देखा कि मतलब एआई अमेरिका इंडिया वर्सेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बी बोथ इज़ द फ्यूचर. आई टोटली अग्री. आई हैव बीन टू इंडिया अभी 3 महीने पहले एंड आई स्टेड देयर फॉर 3 मंथ्स बिकॉज इट वॉज मतलब वेलकम था, वेलकम हो रहा था इंडिया इतना ज़्यादा. They are also learning from the mistakes that America did and they are trying not to make the same mistakes. जो मुझे बहुत अच्छा लगा, Paytm है, भारत पे है, they are trying कि वो सब debit card based economy रहे, debt create नहीं हो credit card से. तो that is a very very big step into digital payments and it is a very bold step. So हाँ, मतलब मोदी जी is a leader who leads from the back, I will say. वो जैसे उन्होंने बोला कि सिर्फ व्यापारी हमारा रिलेशन नहीं है बट भावनात्मक रिलेशन है. आई थिंक दैट एवरीबडी फील्स दैट. इतना इंडियन डायस्पोरा इतना धूमधाम से दे कम एंड दे ट्राई टू वेलकम ईच अदर. आई थिंक दैट्स द बेस्ट, दैट्स अ रियली रियली गुड जेस्चर. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच. इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह. डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर.